हेलो स्टूडेंट्स हम रीजेनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ रीजनरेशन पढ़ा था और साथ में रीजनरेशन इन इनवर्टिब्रेट स्टार्ट करा जिसमें हमने रीजनरेशन इन प्रोटोजोआ रीजनरेशन इन पॉरीफेरा और रीजनरेशन इन सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा था आज के लेक्चर्स में हम इनवर्टिब्रेटा के दूसरे फाइलम्स में रीजेनरेशन को समझेंगे रीजनरेशन इन फाइलम फ़ाइलम के जो एनिमल्स हैं, उनमें किस तरह का होता है? मेंबर्स ऑफ द क्लास टर्बीलेरिया दैट इज possesses एन एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ रीजनरेटिव कैपेसिटी इफ प्लेनेरिया इज एक्सपेरिमेंटली डिवाइडेड either longitudinally,

उससे एक कंप्लीट एनिमल का डेवलपमेंट हो जाता है लेकिन जो रीजनरेशन uh, से एनिमल ओरिजिन होता है डेवलप होता है वो अपने ओरिजिन एनिमल से साइज में छोटा होता है द क्वांटिटी ऑफ फूड अफेक्ट रीजनरेशन बट नॉट मच कंपेरेटिवली द अदर क्लासेस ऑफ फ्लैटी हेलमेंटिस विच आर एंडोपैरासाइट्स parasitic have a lesser capacity for regeneration regeneration की कैपेसिटी देखने के लिए प्लेनेरिया पर आ, कई एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि इस तरह से थे अगर प्लेनेरिया को हेड भाग को बॉडी की लंबाई में इस प्रकार से काटा जाए कि कटे हुए भाग शेष शीर्ष से जुड़े रहें तो एक ही प्लेनेरिया पर दो तो हेड का डेवलपमेंट हो जाता है इस प्रकार कई लंबवत काट काटने पर मल्टी प्लेनेरिया बन जाता है और सेकंड अगर प्लेनेरिया को खड़ी काट द्वारा दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो हाइड्रा के समान दो कंप्लीट प्लेनेरिया डेवलप हो जाते हैं अगर और अगर प्लेनेरिया को अनुप्रस्थ तल पर कई भागों में काटें तो प्रत्येक भाग से एक कंप्लीट प्लेनेरिया डेवलप होता है हाइड्रा के समान ही प्लेनेरिया के हर सेगमेंट में पॉलरिटी पाई जाती है जिससे प्लेनेरिया खंड में आगे और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको विभेदित किया जा सकता है प्रत्येक सेगमेंट के एंटीरियर साइड से एनिमल का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियर पार्ट का ही डेवलपमेंट होता है इसको हम आगे जो प्लेनेरिया है उसमें रिजनरेशन किस तरह होता है हम आगे की स्लाइड में देखते हैं बेसिकली जो प्लेनेरिया होता है उसमें जो रीजनरेशन की क्षमता होती है वो नियोब्ला सेल्स के कारण पाई जाती है ये पूरी तरह से पूर्ण शक्त होती है प्लेनेरिया की बॉडी कैविटी में पाई जाने वाली पेरेन से नियोब्ला सेल्स अविभेदित सेल्स का डेवलप करती हैं। प्लेनेरिया में रीजनरेशन के लिए स्पेसिफिक इंड्यूसिंग इन, फैक्टर्स पाए जाते हैं ये फैक्टर्स न्यूब्लास्ट सेल्स को रीजनरेशन के लिए इंड्यूस करते हैं ये जो प्लेनेरिया होता है उसके असेक्सुअल रीजनरेशन की क्षमता जो होती है वो सेक्सुअल स्ट्रेन से ज्यादा पाई जाती है ये जो एनिमल होता है इसके एंटीरियर भाग में इंड्यूसिंग फैक्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए एंटीरियर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट की अपेक्षा ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है एंटीरियर पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट की अपेक्षा अगर छोटा भी हो फिर भी वो उसमें रिजनरेशन ज्यादा फास्ट पाई जाती है इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं जैसे ये प्लेन एरिया है और इसको ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है दिस वन सेकेंड और ये थर्ड तो इस हेड रीजन से इस तरह से ये एक कंप्लीट प्लेन एरिया बनना ये रिजनरेट हुआ ठीक है और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट अब इसमें आप देखें इस पोस्टीरियर पार्ट से ये आगे का जो पार्ट है ये रीजनरेट हुआ है और ये रीजेनरेट होकर एंटीरियर से ये रीजनरेट हुआ एनिमल और उससे ये वापस एक ये कंप्लीट एनिमल बना इसी तरह से अब ये जो मिडिल पार्ट है इस मिडिल पार्ट से ये हेड पार्ट रिजनरेट हुआ और ये पोस्टीरियर पार्ट रिजनरेट हुआ तो तो इस इस पार्ट से से ये एक कंप्लीट प्लेनेरिया प्लेनेरिया हुआ तो इस तरह से जो एनिमल है उससे उसमें रिजनरेशन की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है उसका हर टूटा हुआ पीस एक कंप्लीट एनिमल में रिजेनरेट हो जाता है कंप्लीट एनिमल में डेवलप हो जाता है और इसमें ये सारी जो रिजेनरेशन का प्रोसेस है इसके लिए इसमें इंड्यूसिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं रिजेनरेशन इन नेबर जो लिमिटेड है उसके जो एनिमल्स होते हैं उनमें रिजेनरेशन की जो पावर है वो बहुत कम पाई जाती है क्योंकि इन एनिमल्स में जो सेल्स होती हैं, उनका नंबर फिक्स्ड होता है इन एनिमल्स में जो रिजनरेशन की क्षमता होती है वो केवल घाव भरने तक ही सीमित रहती है, Next, जो है उसके दो क्लासेस में पॉलीकीट्स और ओलिगोकीट्स से जो होती है उनमें रिजनरेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है लेकिन जो हीरोनिया क्लास में होता है उसमें रिजनरेशन नहीं पाया जाता है के आ, किसी एनिमल को अगर दो अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो दो एनिमल्स में डेवलप हो जाते हैं और यदि एनिमल को बीच में से काट दिया जाए तो जो एंटीरियर सेगमेंट होता है वो पीछे के सारे सेगमेंट्स को डेवलप करता है जैसे कि अपन ये डायग्राम देख रहे हैं इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो जैसे ये पीछे का पार्ट है तो इससे ये आगे का जो पार्ट है बॉडी का वो डेवलप हो रहा है और ये एक कंप्लीट एनिमल बन रहा है और इसी तरह से ये जो एंटीरियर पार्ट है हेड रीजन है इसको अलग करा तो इससे ये पोस्टीरियर पार्ट डेवलप हो रहा है या रीजनरेट हो रहा है और इससे ये एक कंप्लीट एनिमल डेवलप हो जाता है इन एनिमल्स में अगर जैसे हम एनिमल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो एंटीरियर पार्ट होता है वो तो पीछे के सारे से, सेगमेंट्स का निर्माण कर लेता है लेकिन जो पीछे का पार्ट होता है वो एंटीरियर पार्ट के केवल के कुछ ही सेगमेंट्स का निर्माण कर सकता है ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें रीजनरेशन की क्षमता प्लेनेरिया के समान ही होती है यानी कि घाव पर सबसे पहले एपिडर्मिस का आवरण ही बनता है और उसके नीचे कुछ स्पेसिफिक सेल्स आकर इकट्ठी होती हैं जिन्हें न्यूब्लास्ट कहते हैं और ये सेल्स ब्लास्टिमा का निर्माण करती हैं और इनमें फिर डिडिफ्रेंशिएशन से अः रिजनरेशन संपन्न या कंप्लीट होता है रिजनरेशन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा

इनको कोई शत्रु पकड़ता है तो उस समय ये अपने जो लेग्स होते हैं उनको छोड़ देती हैं यानी कि उस समय ये अपने अपने मसल्स में करके लेग्स को छोड़ देते हैं जिसे ऑटोटॉमी कहते हैं और फिर ये जो लेग्स होते हैं वापस रिजनरेट हो जाते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें केवल लार्वल स्टेज में ही रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है और जो होते होते हैं उनमें डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है regeneration in phylum. जो phylum होता है उसमें रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो बहुत कम पाई जाती है जो सिफेलो होते हैं उनकी आर्म्स और जो गेस्ट्रो होते हैं उनके फुट आई और आई स्टॉक में रिजेनरेशन हो सकता है गेस्ट्रोफोड के हेड के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में ये रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है इन एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्मेटा फ़ाइलम। फ़ाइलम ये जो होते हैं, इनके एनिमल्स में कटी हुई आर्म्स और जो सेंट्रल डिस्क होती है ये रिजेनरेशन में हेल्प करती है या इनसे इजीली रिजनरेशन हो सकता है जैसे होती है, उसमें अगर एक 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 हो हो, और उसके साथ एक central का रीजनरेशन हो, होता है और एक कंप्लीट स्टारफिश का डेवलपमेंट हो जाता है इसी तरह जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल डिजन के द्वारा होता है इसमें अगर central disk को टू में कर दें, तो उस टू पार्ट से दो दो होते होते हैं। 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 के द्वारा दो complete animal develop होते है। और ये जो प्रोसेस होता है, इसको कहते इसी तरह से जैसे होलुथुर में सी कुम्बर होता है उसके एनस से अगर रेड कलर की ट्यूब्यूल्स ऑफ ल्यूवियर को बाहर आ जाती हैं और ये बाहर आने पर पानी के संपर्क में आने पर ये एक चिपचिपा नेट बना लेती है जिसमें कि एक इनका जो शत्रु है एनिमी है जो फंसकर मर जाता है और फिर ये ट्यूब्यूल्स वापस रीजनरेट हो जाती हैं रीजनरेशन इन एकाइनर एकाइनोडर्मेटा को हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं जिस तरीके से ये स्टारफिश uh, है और इसका ये पार्ट टूट गया एक आम टूट गई तो वापस ये एक आम कंप्लीट हो गई ये देखिए वन टू थ्री फोर एंड दिस फाइव तो ये एक कंप्लीट आम में ये डेवलप हो गई और ये एक कंप्लीट एनिमल बन गया यानी कि इसमें इस तरह से जो स्टारफिश है रीजनरेशन पाया जाता है और दूसरे इस तरह से भी रीजनरेशन पाया जाता है कि एक सेंट्रल डिस्क के साथ वन फिफ्थ और सेंट्रल डिस्क के साथ अगर एक आम अलग हो जाती है और प्लस एक ये तो ये एक और सेंट्रल डिस्क अपने आप मिल ही एक कंप्लीट नए एनिमल को रिजनरेट कर सकते हैं तो इस तरह से इनमें जो एकाइनोडर्मेटा एनिमल्स हैं इनमें रीजनरेशन पाया जाता तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने हेल्मन्थीस, एसके हेल्मन्थीस, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और एनिमल्स एकाइनो एकाइनोडरमेटा फाइलम के एनिमल्स में हमने रीजनरेशन के प्रोसेस को देखा कि इन एनिमल्स में किस तरह से रीजनरेशन पाया जाता है ओके थैंक्स क्लास